गुजरात रो एको छोटिया गाँव रे चंदु एको परिबा दुकान रे काम करुछि, किंतु मालिक सबु बेले तार निंदा करुछि, जदरा चंदु सबु बेले बहुत चिंता रे रहउछि। दिन सारा खाली पड़ी थाउछि, अळसुआ कोठिकार काम धाम तो किछि करूनु, खाली पेट भर्ती करी खाउछु। नाही मालिके, एमेती किछि मध्य नुहे, मु तो मन लगाई बहुत काम करुछि। अच्छा, ताले मते भी तो कहो जे केउ काम मन लगाई करछु। मालिके, मु सकाळ उठि सर्वप्रथमे बाजार को जाई ट्रक वाला ठारु परिवा नै आसुछि, तापरे गोदाम रे सेई परिवा गुडी को सफा करुछि, तापरे अलगा अलगा करी ठेला रे रखुछि, तापरे मु पूरा इलाका रे ठेला नै बुली बुली परिवा बिकुछि। बोलिबा द्वारा कोन होउछि, परिवा भी तो बिक्री हेबा दरकार ना। मु सेई काम तो करुछि मालिक, यदि परिवा बिक्री हेउनि तबे ठेला खाली केमिति हे जाउछि। काम तो दुई टंका रे भी करुनि, आउ कथा कहबा को को तेबे तारो काउ होलिया का का करि थाउछि। मु तो आपन को ताहा कहिले जा आपन पचारले मालिके। ठीक अछि, एबे चल जाय एठो, आउ निजर ठेला को संभाले, नहले बुलुथिबा सब पशु गुडा को परिबा खाइ जबे, आउ जदि एपरि हेबो ना तेबे तते एही मासर दरमा मिलिवनी, बुझि गलु। चंदु किछि मध्य कहे नाही, आउ चुपचाप सेठारु चली जाए। चंदु निजर ठेला को निए आउ जलखिया न खाई ही परिबा बिक्री करबा पई बाहरी पड़े। परिबा नै जाओ, ताजा ताजा परिबा नै जाओ। ममता एवं सुनीता दुहे गोटिए गोटिए मुड़ी नै चंदु ठारु परिबा किणबा पई घरु तळकु ओलेई आसंती। नमस्कार अपा, केमिति अछंती आपण? मु त ठीक अछि चंदु, तमे केमिति अछ? एबे आउ कोन कहिबी अपा, मालिक सब कथा खाली गाली देउछंती। मु तो सचोटदार सहित निजर काम करछि, दिन सारा सब रोजगार मालिक को देई देउछि, किंतु मालिक ए कथा को बुझु नाहंती। सेते बेले पछरु तार मालिक आसी जाए, आउ सिए चंदुर कथा सब सुनी दिए। अच्छा, तेबे तू एबे लोकन को मो विरुद्ध रे खराब कथा कहउछु, एक तो मु तो परी अपाठुआ मूर्ख को मो पाखरे काम रे रखली, आउ तू लोकन को मो विरुद्ध रे ही कथा कहउछु। नाही मालिके, मु आपण को विरुद्ध रे किछि कहु नथिली। अच्छा, तेबे तू एबे सामना रे मिछो भी कहिबा को लागिलुनु, मु मो कान रे सुनिछि जे तू कोन सब कहउथिलु मो विषय रे, जेबे सामना रे ए परिवस्था तबे मो पछरे के जानि तू कोन कोन सब कहउथुबु। आजिठु तू मो घर को जमा आसिबुनी, आ मोर ए ठेला गोदाम रे नै रखि देबु। किंतु मालिके, मु पूरा मास काम करिछि, मोर दरमा तो दे दियंतु। दरमा बदल रे एही ठेला ही तू रखी दे, मते दरकार नै तो रही अशुभ ठेला, आउ तते कोनसी दरमा मध्य मिलिवनी। मालिक सेठारु चली जाए, आउ चंदु कामरु बाहरि जिबा कारणरु कांदिबाकु लागे। कांदुच काहे कि चंदु, तमको मालिक कामरु बाहर कर देले तेबे कोन होला, तमे निजर किछि काम आरंभ कर दियो, आउ पुनी आउ कहा भरोसा रे केते दिन काम करथंत। ममतार कथा द्वारा चंदुर आत्मविश्वास बढ़ी जाए, से ठेलार सब परिबा को बिक्री कर दिए, आउ सेथिरो मिलिथिबा पैसा द्वारा आगामी दिन पूर्णी परिबा किणबा पई भाबिनी। काम त मु करि नेबी, किंतु रहिबी केउठी। जेबे चंदु को किछि मध्य बुद्धि दिसे नाही, आउ राती बहुत होइ जाए, तेबे से राती रे निजर ठेला उपर ही सोई पड़े, आउ से निघोड़ निदर सोई पड़े। किया आसी गला एते राती रे, काहे के हैरान करछ मते भाई? सेते बेले मेघ घड़घड़ी मारिबा को लागे, आउ जोरे मूसलधारे वर्षा आरंभ हो जाए, चंदु को रहिबा पई कोनोसी भी जागा मिले नाही, एथि पई से ठेला तळ को चली जाए। गळीर सब कुकुर गोटे दुकान तळे जाई रहि जांती, किंतु दुकान वाला सेमान को सेठारु घोड़ाई दिए। ए सब चंदु ठेला तळे बसी देखिनी, आउ सीए सेही कुकुर मानंकु निजर ठेला तळ को नै आसे। आसी जाओ सब मो ठेला दल को, चल मो सहित वर्षा हेबा पर्यंत आम सब सेठ रही पारा। सब कुकुर चंदुर ठेला तल को आसी जानती, चंदु देखे जे गोटे बेमार बुढ़ा कुकुर थंडारे थरुला, से निजर गामुछा को बाहर करे, आउ से कुकुर को घोड़ाई दिए। कुकुर एक दया भाव दृष्टि रे चंदु आड़ को देखा लगे, सेते बिजुली चमकवाक लगे, आउ भैरव देवता प्रकट हो जाती। तमें बहुत दयावान, तुम पाखरे निजे रही घर ना, किंतु हेले भी तुम यही बेसहारा को सहार देवाई साहस अच्छी। हे ईश्वर, ये विचारा कही पार ना, किंतु मु जड़े मनीष ना, तेणु मु बुझीगली वर्षार बचापी एक छात दरकार, एथपाई मुझे मोर ठेला तले सहारा देदेली। कुकुर हे मोर बाहन,
ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ। ତମେ ମୋର ବାହନକୁ ସହାୟତା କରିଛ, କୁହ ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକ, ପରିବା ବିକି ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅଛି, କେବଳ ରାତି କାଟିବା ପାଇଁ ଛାତଟିଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଠେଲାରେ ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେଲ, ସେହି ଠେଲା ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାରା ଦେବ। ଆଜିଠାରୁ ତମର ଏହି ଠେଲା ରାତିରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳାରେ ବଦଳିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଚନ୍ଦୁକୁ ବରଦାନ ଦେବା ପରେ ଭୈରବ ଦେବତା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଚନ୍ଦୁର ଠେଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଚନ୍ଦୁ ସବୁ କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ସେଇଠି ରଖିଥିବା ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦିଏ। ରୁଟି ଖାଇଦିଅ। ସବୁ କୁକୁର ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଚନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେଇଠି ରଖା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଏ, ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେବେ ଚନ୍ଦୁର ମାଲିକକୁ ଏହିସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଚନ୍ଦୁର ଠେଲା ଏକ ଯାଦୁର ଘରରେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ତେବେ ସିଏ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚନ୍ଦୁର ଠେଲାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। ଭଲ ହେଲା ତୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଭେଟିଗଲୁ, ଆପଣ ତ ମୋତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ନା, ମୋତେ ଏବେ କାହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ତୋ ପାଖରେ ମୋର ଠେଲା ଅଛି ନା, ମୋତେ ମୋର ଠେଲା ଫେରାଇ ଦେ। ସେଇ ଠେଲା ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଏବେ ମୋର ଠେଲା, ଆଉ ଏମିତି ବି ଆପଣ ତ ମୋତେ ମୋର ଦରମା ଦେଇନଥିଲେ। ଚୁପଚାପ ମୋତେ ମୋର ଠେଲା ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ତୋର ଭଲ ହେବନି। ଦେଖୁଛୁ ନା ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ତୋର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଠେଲା ତ ଏବେ ଆଉ ଫେରାଇବିନି। ମାଲିକ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦୁକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଦିଏ। ମାଲିକର ଇଙ୍ଗିତ ପାଇବା ପରେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ଚନ୍ଦୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଚନ୍ଦୁକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ମାରେ। ତମେମାନେ ସବୁ ଠିକ କରୁନ, ତମକୁ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସେହି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଚନ୍ଦୁର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେହି କୁକୁରମାନେ, ଯାହାକୁ ଚନ୍ଦୁ ନିଜ ଠେଲା ତଳେ ଶରଣ ଦେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଏସବୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେବେ ଚନ୍ଦୁକୁ ବାଡ଼େଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି କୁକୁରମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। କୁକୁରମାନେ ସେହି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କୁକୁରମାନଙ୍କ କାମୁଡ଼ିବା ଡରରେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଲିକ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୋର ଏହି ସହରରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ତ ତମେମାନେ। ଆଜିଠାରୁ ତମେମାନେ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନ ସକାଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଉଭେଇ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଠେଲା ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଏବେ ଚନ୍ଦୁ ନିଜର ସେହି ଯାଦୁର ଠେଲାରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗେ। ରାମପୁର ନାମକ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା, ସେଇଠି କିଶାନ ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ରହୁଥିଲା। କିଶାନର ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ତା ପାଖରେ ନିଜର ଗୋଟେ ବି ଘର ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପାଲ ଲଗେଇ ତା ତଳେ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରି ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ବହୁ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଲ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବାପା, ସବୁ କପଡ଼ା ଓଦା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଉପରେ ଯୋଉ ପାଲ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଉଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଝିଅ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ର। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଥାଏ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଖୁସି ଅଛି ତେବେ ସେ ବି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଚୁପ୍ ହେଇଯା, ଆଉ ଏ କପଡ଼ା ଦେଇ ଆ, ଆଉ ପଇସା ବି ମାଗି ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ଆଜି ବି ଭୋକିଲା ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିତା ଓଦା କପଡ଼ା ନେଇକି ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କପଡ଼ା ଦଉଥାଏ, ଆଉ ପଇସା ମାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାକୁ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ତାକୁ ବିଦା କରିଦଉଥିଲେ। ନିତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ, ଆଉ ଭାବୁଥାଏ, କେହି ବି ପଇସା ଦେଲେନି, ଏବେ ବସ୍ ମାହି ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କର କପଡ଼ା ରହିଗଲା, ସିଏ କପଡ଼ା ନେଲା ପରେ ପଇସା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିତାର ପଡ଼ୋଶୀରେ ହିଁ ଜଣେ ମାହି ନାମକ ମହିଳା ରହୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କଠୁ କପଡ଼ା ଇସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ବି ଦଉନଥିଲେ। ନିତା କପଡ଼ା ନେଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା, କପଡ଼ା ନିତା ଉପରେ ପକେଇ ସେ କହିଲେ, ନେଇଯାଏ କପଡ଼ା, ପୁଣି ଧୋଇ ଶୁଖେଇ କପଡ଼ା ଆଣିକି ଦବୁ। ମ୍ୟାଡମ୍, କିଛି ପଇସା ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ତ? ଏକ ତ ସବୁ କପଡ଼ା ଓଦା କରିଦେଲୁ, ସେଥିରେ ବି ପଇସା ମାଗୁଛୁ? ଆରେ ଯା, ଏଠୁ କିଛି ମିଳିବନି। ନିତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କହୁଛି, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି,
केहि बे पैसा देलेनी घरे खाइबाकु बे किछि नै एबे बापांको कोन कहिबे हे भगवान एबे सहाय्य कर तमे अमर नीता किछि समय सेठी बसी रहुची आउ सेठी थिबा बाली सहित गोटे छोटो घर बनौची भगवान त सतरे गोटे घर देलेनी तो बाली रे गोटे घर बनै दोची सेतेबेले नीतार नजर बाहरे पड़ीथिबा गोटे माछो ऊपर पड़िला माछटी छटपट होतिला नीता ताकु उठेकी पानी रे पके देला आउ सेतेबेले ही गोटे रश्मि प्रकट हैला आउ सामना रे गोटे परी छिड़ा हेतिला झिया तमे मते सहाय्य करी मते अभिशापरु मुक्त करि देला मु गोटे परी थिली अभिशाप जोगु मु माछो बनी जाइथिली मु तमको किछि दबाकु चाहूची तमको जदि किछि दरकार तमे मते मागी परिबो मते कुह तमको कोन दरकार मो पाखरे घर नहीं मते गोटे घर दरकार परी नीता को घर बनौथिबार देखि नैथिला परी से बाली घरटिकु बड़ जादुई घर रूपे परिणत करिदेला आउ से घर को बहुत मजबूत करिदेला आउ नीता को कहूची नीता एटा जादुई घर तमे एतरे जहा भी मागिब सब तमको मिलिजिब आउ ये पवन रे उड़ी भी पारिब एथिरे रखा जायथिबा जिंस गुड़ी को भी जादुई हेइजिब किंतु मने रखिब सब बेले अन्य मानक पई मागिब एमिति ही कहे कि परी गायब हेगला नीता से बड़ बाली घर को आदेश देला कि मते उड़े मते मो पुरना घर को नै जाओ गाँ लोक माने ए उड़ंता बाली घर को देखि बहुत आश्चर्य हेगले बापा आश्चर्य हे से बाली घर को ही देखु थांती आ सेते बेले ही सेथिरु नीता बाहर के आसिला किशन ताको देखिला आ पचारिला अरे एते बड़ घर तो पाखरे कोठु आसिला आ ये आकाश रे केमती उड़ी परुची नीता से जादुई बड़ घर विषय रे आ से परी विषय रे निज बापा को सब कथा कहुथाय सब कथा सुनी किशन बहुत खुशी हे गले आ ता परे दिजण बिना किछि लोभ रे निजर स्त्री रो काम आरंभ करि देले एबे से माने दिजण कहा घर को कपड़ा नबा को जाउ नथिले उल्टा घर को ही उड़े कि ने कि जाउथिले धीरे धीरे तांका काम बढ़िबा को लागिला सब लोग तांका टु ही स्त्री करैबा को लागिले आ गोटे दिन पापा मु बहुत खुशी एबे खाली आमर ही नहे अलगा गांर लोक माने भी आमटो स्त्री करैबा को आसे चंती जियो खुशी तो मु भी बहुत अछि आमको एमिति बिना गर्व रे काम करिवार अछि आ अन्य मन को सहाय्य भी करिवार अछि किशन आ नीता एही परि भाबे निजर स्त्री काम करथले सेते बेले ही किए गां लोक जने कबाड़ बाड़े आसिले आ तांको सहाय्य मागिले कथा कोन आमे आपन को सहाय्य केमिति करिवु किशन भाई मो स्त्री गर्भवती अछि ता शेष मास चली छि ताकु नै कि पोलो पारी करी डॉक्टर पाखो को जिबार अछि गा लोक माने पोल रो रास्ता बंद करी रखी छथि एबे मु ताकु डॉक्टर पाखो को केबिति नै कि जिबी सेठी छिड़ा हे नीता ए सब सुनुथिला आ से कहिला दादा तमे चिंता करनी सब ठीक हे जिबो ता परे से माने तीन जण उड़ी से पोलो पाखरे जाई पहुंचिले जोठी से गाड़ी ठिया हेथिला नीता से गाड़ी को निज जादुई घर सहित बांधि देला आ जादुई बाली घर तांको उड़ेई हॉस्पिटल नै पहुंचेला दादा तमे एबे जाओ आउ आसी के आमको खुशी खबर दबो एई कथा गां सारा खेली गला केमिति ए जादुर बाली घरर सहाय्य रे नीता ओ किशन गां लोकनको सहाय्य कले सबु लोक से दि जणको बहुत मान सम्मान दबाको लागिले गोटे दिन तार मालिकाणी जे के किछि दिन पई गांर बाहर को जाईथिले जेतेबेले से आसिले से घर विषय रे सुनिले बस ए दि जणकर तारीफ ही सुनुची मु एबे तमो कान भी दरज कलाणी ए दि जणक मु पाने चखुची तापरे माही लुची लुची से बाली घर को जाउची आ सेठी रखा जायतिबा कपडा को स्त्री माध्यम रे जळेबा को चेष्टा करूची किंतु सब किछि ओलटा हे जाउथला ए स्त्री ताको ही जळेबा को चेष्टा करूथला अरे अरे ये कोन होची अरे की कोडी अछो अरे बचाओ बचाओ एते किरे नीता ओ किशन दिजण आसुछंती आ स्त्री को रहिबा पई आदेश दोछंती मते क्षमा कर दियो मु तमो सहित सब बेले खराब ही करी छी मु ईर्ष्या रे तमरो सब कपड़ा जळेबा को चाहुथिली तू बहुत भलो कि मोर जीवन बंचेबा को चेष्टा कलु मालिकयाणी आपण आपण को भूल को स्वीकार करले एटा बड़ कथा आमको सब बेले अन्य मानन को सहाय्य करबा दरकार ना कि समान को हैरान करबा कथा सेमिति रे भी मो बापा कोहंती आम भाग्यर खुशी आमको निश्चित मिलिबो ताको केही भी चोरी करि परिबेनी
बाप झियो दि जण कुंडा कुंडी होउछंती आउ एही परि भाबे बिना किछि लोभरे समस्तंकर सहाय्य करुछंती आउ से बड जादुई घरे रहउछंती। रामपुर नामक गोटे गाँ थिला, सेठी किशन निज झियो सहित रहउथिला। किशन रा दीटा जाक गोड़ खराब हेइथिला, ता पाखरे निजर गोटे भी घर नथिला। से गोटे गच्छ सहाय्य रे गोटे पाल लगे ता तले इस्त्री करी निज जीवन बितौथिला। गोटे दिन बहु जोरे वर्षा होउथिला आ तांको पाल उड़ी जाउथिला आ ता परे पापा सबु कपड़ा ओदा हे गला आ ऊपरे जो पाल थिला सेइटा भी उड़ी गला। एबे आमे कोन करिबा? जियो तू चिंता करनी, सबु ठीक हे जिवो, धैर्य रो। जा भाग्य रे जति के दुख थाए ताकु भोगिबा को पड़ी थाए, आ जदि ता भाग्य रे खुशी अछि तेबे से भी ताकु निश्चय मिली थाए। एबे चुप हे जा आ ए कपड़ा देइया आ पैसा भी मागी आनिबु, नहले आज भी भोखिला सोइबा को पड़िबो। नीता ओदा कपड़ा नेके जाउ थाए आ लोक मान को तांको कपड़ा दौ थाए आ पैसा मागु थाए, किंतु केही ताकु पैसा दौ नाहंती, सब ताकु विदा करि दौथिले। नीता कांदी कांदी आगो को बढ़ु थाए आ भाबु थाए केही भी पैसा देलेनी, एबे बस माही मैडम कर कपड़ा रही गला, सीए कपड़ा नेला परे पैसा दे दियंते। नीतार पड़ोसी रे ही जणे माही नामक महिला रहुथिले, से प्रतिदिन तांकटु कपड़ा इस्त्री करौथिले आ तांको पैसा भी दौ नथिले। नीता कपड़ा नेकी सेठी पहुंचिला, कपड़ा नीता ऊपर पके से कहिले नै जाए कपड़ा पूणी धोई सुखे कपड़ा आनी के दबू। मैडम किछ पैसा मिल जाय थांत तो? एक तो सब कपड़ा ओदा कर देलु सेतरे भी पैसा मांगु छु, अरे जा एठु किछ मिलिबानी। नीता कांदी कांदी जंगल रे पहुंची जाउची, सेठी गोटे नदी कूल रे बसी कांदीबाकू लागुची आ कहुची एबे मु कोन करबे, केहि भी पैसा देलेनी, घरे खाइबाकू भी किछि नै, एबे बापा को कोन कहबे? हे भगवान एबे सहाय्य कर तमे अमर। नीता किछि समय सेठी ही बसी रहुची आ सेठी थिबा बाली सहित गोटे छोटो घर बनौची। भगवान तो सतरे गोटे घर देलेनी तो बाली रे गोटे घर बनै दोची। सेतेबेले नीतार नजर बाहरे पड़ीथिबा गोटे माछो ऊपर पड़िला, माछोटी छटपट होउथिला। नीता ताकू उठेकी पानी रे पकेइ देला आ सेतेबेले ही गोटे रश्मि प्रकट हैला आ सामना रे गोटे परी छिड़ा हेइथिला। झिया तमे मते सहाय्य करी मते अभिशापरु मुक्त करि देला, मु गोटे परी थिली, अभिशाप जोगु मु माछो बनि जाइथिली। मु तुमको किछि दबाकु चाहूची, तुमको जदि किछि दरकार तमे मते मागी परिबो, मते कुह तुमको कोन दरकार? मो पाखरे घर नहीं, मते गोटे घर दरकार। परी नीता को घर बनौथिबार देखि नैथिला, परी से बाली घरटिकु बड़ जादुई घर रूपे परिणत करि देला आउ से घर को बहुत मजबूत करि देला। आउ नीता को कहूची नीता एटा जादुई घर, तमे इतरे जहाँ भी मागिब सब तुमको मिल जा पवन उड़ी भी पार एथिरे रखा जाइथिबा जिनस गुड़िक भी जादुई हे जिव, किंतु मन रख सब बेले अन्य मानक पाई मागिब। एमिती ही कहिकी परी गायब हे गला। नीता से बड़ बाली घर को आदेश देला कि मते उड़े मते मो पुरना घर को नहीं जाओ। गाँ लोक माने ए उड़ंता बाली घर को देखि बहुत आश्चर्य हे गले। बापा आश्चर्य है से बाली घर को ही देखु थांती आ सेते बेले ही सेथिरु नीता बाहर के आसिला। किशन ताकु देखिला आ पचारिला अरे एते बड़ घर तो पाखरे कोठु आसिला आ ये आकाश रे केमती उड़ी पारुची? नीता से जादुई बड़ घर विषय रे आ से परी विषय रे निज बापा को सब कथा कहुथाय। सब कथा सुनी किशन बहुत खुशी हे गले आ ता परे दिजण बिना किछि लोभरे निजर स्त्री काम आरंभ करि देले। एबे से माने दिजण कहा घर को कपड़ा नबा को जाउ नथिले, उल्टा घर को ही उड़े कि ने कि जाउथिले। धीरे धीरे तांको काम बढ़िबा को लागिला, सब लोक तांको टु ही स्त्री करैबा को लागिले। आ गोटे दिन पापा मु बहुत खुशी, एबे खाली आमर ही नहे अलगा गांर लोक माने भी आमटु स्त्री करैबा को आसे चंती। जियो खुशी तो मु भी बहुत अछि, हमकु एमिति बिना गर्व रे काम करिवार अछि आ अन्य मन को सहाय्य भी करिवार अछि। किशन आ नीता एही परि भाबे निजर स्त्री काम करूथिले, सेते बेले ही किए गां लोक जने कबाट बाड़े आसिले आ तांको सहाय्य मागिले। कथा कोन आमे आपन को सहाय्य केमिति करिवु? किशन भाई
मो स्त्री गर्भवती अछि ता शेष मास चली छि ताकु नै कि पोल पारि करी डॉक्टर पाखो को जिबार अछि गा लोक माने पोल रो रास्ता बंद करी रखि छथि एबे मु ताकु डॉक्टर पाखो को केबिति नै कि जिबी सेठी छिडा हे नेता ए सब सुनुथिला आ से कहिला दादा तमे चिंता करनी सब ठीक हे जिवो ता परे से माने तीन जण उड़ी से पोल पाखरे जाई पहुचिले जोठि से गाड़ी ठिया हेतिला नीता से गाड़ी को निज जादुई घर सहित बांधि देला आ जादुई पाली घर तांको उड़ेई हॉस्पिटल नै पहुचिला दादा तमे एबे जाओ आ आसी के आमो को खुशी खबर दबो ए कथा गां सारा खेली गला केमिति ए जादुर बाली घर रो सहाय्य रे नीता ओ किशन गां लोकन को सहाय्य कले सबु लोक से दि जण को बहुत मान सम्मान दबा को लागिले गोटे दिन तार मालिकाणी जे के किछि दिन पई गां रो बाहर को जाईथिले जेते बले से आसिले त से घर विषय रे सुनिले बस ए दि जण कर तारीफ ही सुनु छी मु एबे तमो कान भी दरज कलाणी ए दि जण को मु पाने चखो छी ता परे माही लुची लुची से बाली घर को जाऊ छी आ सेठी रखा जाईथिबा कपडा को इस्त्री माध्यम रे जळेबा को चेष्टा करू छी किंतु सब किछि ओलटा हे जाउथिला इस्त्री ताको ही जळेबा को चेष्टा करूथिला अरे अरे ये कौन होची अरे की कोडी अच्छो अरे बचाओ बचाओ एते किरे नीता ओ किशन दि जणा आसु छंती आ इस्त्री को रहिबा पई आदेश दउ छंती मते क्षमा कर दियो मु तमो सहित सब बेले खराब ही करी छी मु ईर्ष्या रे तमरो सब कपडा जळेबा को चाहुथिली तू बहुत भलो कि मोर जीवन बचेबा को चेष्टा करलु मालिकानी आपण आपण को भूल को स्वीकार करले एटा बडा कथा आमको सब बेले अन्य मानको सहाय्य करबा दरकार ना कि समानको हैरान करबा कथा सेमिति रे भी मो बापा कोहंती आम भाग्य रो खुशी आमको निश्चित मिलिबो ताको केही भी चोरी करि परिबेनी बापा झियो दि जण कुंडा कुंडी होउछंती आ एही परिभावे बिना किछि लोभ रे समस्तंकर सहाय्य करूछंती आ से बड़ जादुई घरे रहूछंती।